तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे ये मैथमेटिकल फिजिक्स इलेवेंथ के वेक्टर्स uh, से कैसे डिफरेंट है सो फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन द स्केलर एंड द वेक्टर फंक्शन स्केलर फंक्शन एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन सो वाट इज़ फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन वाट इज़ पॉइंट फंक्शन सो ए वेरिएबल क्वान्टिटी

फर्स्ट इज स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड सेकेंड इज वेक्टर पॉइंट फंक्शन जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है स्केलर डैट मीन्स वहाँ पे स्केलर क्वांटिटी होगा और वेक्टर पॉइंट फंक्शन मतलब वहाँ वेक्टर क्वांटिटी होगा स्केलर डैट मीन्स जहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग बात करेंगे और वेक्टर जहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं बात करेंगे वहां पे सो स्केलर पॉइंट फंक्शन इफ

that quantity or that point in that space is called scalar point function for example the temperature distribution in a heated body matlab मतलब ek body hai jisko hum log heat kar rahe hain so yahan se iska temperature agar ye 0 degree celsius pe hai to ye dheere dheere heat heat hokar पूरे body में distribute होगा. so that temperature temperature क्या है? temperature is a scalar quantity सो दैट स्केलर क्वांटिटी विल रीच फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए बॉडी टू होल पार्ट ऑफ द बॉडी सो टोटल बॉडी जो है हमारा हीट हो जाएगा और हम लोग कहेंगे कि स्केलर पॉइंट फंक्शन टेम्परेचर वहाँ पे है सिमिलरली द डेंसिटी ऑफ ए बॉडी एंड द पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन क्योंकि डेंसिटी भी जो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम ये भी एक स्केलर क्वान्टिटी है इसका डायरेक्शन नहीं होता है

दैन एफ इज कॉल्ड वैक्टर पॉइंट फंक्शन दैट मीन सेम डिफिनेशन है कि अगर यहाँ पे स्पेस है लेकिन यहाँ पे जो क्वान्टिटी है, है यहाँ पे वो वैक्टर है मतलब इसका मैग्नीच्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों है तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड वैक्टर पॉइंट फंक्शन इन दैट स्पेस फॉर एग्जाम्पल दिलोसिटी ऑफ मूविंग फ्लूड एक फ्लूड है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर रहा है तो इसका विलोसिटी यहाँ पे इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे जब हम मेजर कहेंगे तो हम कहेंगे कि ये वेलोसिटी जो है वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स व्हिच इज डिनोटेड बाय वेक्टर एफ दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शंस। अब इसी वेक्टर पॉइंट फंक्शंस और स्केलर पॉइंट फंक्शन से हम लोग फील्ड डिफाइन करेंगे वट इज स्केलर फील्ड एंड वट इज वेक्टर फील्ड

इस रॉड को अगर हम लोग हीट करेंगे शुरू में ये कोल्ड है अब इसको इस पार्ट को अगर हम लोग हॉट करना शुरू करें या इसको गर्म करना शुरू करें तो कुछ समय के बाद पूरा रॉड जो है वो हीट हो जाएगा तो इससे हम लोग क्या समझते हैं कि जो टेम्परेचर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर रहा है और ये स्पेस बना रहा है इस रॉड में और वो स्पेस जो है वो क्या है स्केलर फील्ड है सो इफ ये रॉड इज़ हीटेड At its one end, then after some times, whole rod is heated. Hence, the scalar quantity temperature is changes throughout the rod, and we say that there is a scalar field. Now, similarly, if the vector quantity is changes from point to point in a space, then that space is called vector field. If a vector quantity एक स्पेस से दूसरे स्पेस में अगर चेंज करे इसी स्पेस में कोई वेक्टर क्वांटिटी चेंज करेगा जैसे यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी चेंज कर रहा था वैसे यहाँ पे अगर वेक्टर क्वांटिटी चेंज करेगा देन डैट स्पेस इज कॉल्ड वेक्टर फील्ड फॉर एग्जाम्पल कि विलोसिटी ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब एक ट्यूब है जहां से लिक्विड फ्लो कर रहा है और वेलोसिटी है तो वेलोसिटी विलोसिटी हम लोग जानते हैं हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सो दैट क्वांटिटी वी क्रिएट्स द वेक्टर फील्ड ये एक वेक्टर फील्ड को क्रिएट करेगा उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म में, में साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है हमारा तो यहां पर भी जो हमारा फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट इज ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज ए वेक्टर फील्ड सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो चार्ज हो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज या सिमिलरली एक चार्ज भी हो सिंगल आइसोलेटेड चार्ज भी हो तो उसके चारों जो स्पेस या रीजन बनता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट्स या कूलम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्ट करता है दैट फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड वैक्टर फील्ड बिकॉज वी हैव द क्वान्टिटी ई विच इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन इन ऑल स्पेक्ट सो ये हो गया हमारा डिफिनेशन स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड वी हैव टू डिफाइन सम स्पेशल ऑपरेटर्स एंड सिम्बॉल्स टू फॉर्मुलेट द मैथमेटिकल फिजिक्स मैथमेटिकल फिजिक्स को डेवलप करने के लिए कुछ ऑपरेटर्स कुछ अलग अलग टाइप्स के नोटेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे जिसमें से पहला नोटेशन हमारा है डेल ऑपरेटर इसको हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कहते हैं जो डेल से इस तरह से डिनोट करते हैं ट्राइंगल का उल्टा साइन है ये और ऊपर में वेक्टर का साइन दिया हुआ है इस तरह से हम लोग लिखते हैं ट्राइंगल जनरली हम लोग इस तरह से लिखते हैं तो ये ट्राइंगल का जस्ट उल्टा है ऊपर में साइन से यहाँ पर डिनोट करते हैं सो द वेक्टर आई कैप यूनिट वेक्टर्स है आई कैप जे कैप एंड के कैप डो बाई डो एक्स दिट इज द पार्शल डेरेवेटिव विध रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शल डेरेवेटिव विध रिस्पेक्ट टू वाई पार्शल डेरेवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड पार्शल डेरेवेटिव क्या है इसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर में है वहां पर जाके इसको और डिफाइन देखा जा सकता देखोगे उसमें वहाँ पे पता चल जाएगा कि पार्शल डेरेवेटिव क्या होता है सो ए वैक्टर आई कैप डो बाई डो एक्स डो बाई डो वाई डो बाय डो जेड इज कॉल डेल ऑपरेटर वाई इट इज कॉल ऑपरेटर तो इसके लास्ट पार्ट को देखें तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन यहाँ पे नहीं है फंक्शन यहाँ पे मिसिंग है इसका मतलब ये किसी के साथ ऑपरेट करेगा ऑपरेट मतलब उसके साथ वो लगेगा जिसको हम लोग आगे देखेंगे अलग अलग नोटेशन में ग्रेडियंट या कर्ल में हम लोग उसको देखेंगे सो दिस इज एन ऑपरेटर विच ऑपरेट्स ऑन एनी स्केलर क्वांटिटी और वैक्टर क्वान्टिटी किसी भी स्केलर क्वान्टिटी या वैक्टर क्वान्टिटी के साथ ये ऑपरेट होता है इसलिए इसका नाम पड़ता है डेल ऑपरेटर इट इज डिनोटेड बाई दिस एंड डेल दिस इज इक्वल टू आई कैप डो बाई डो एक्स प्लस जे कैप डो बाई डो वाई के कैप डो बाई डू जेड सिमिलरली दो डेल ऑपरेटर्स के डॉट प्रोडक्ट से हमारा बनता है लैपलेसियन ऑपरेटर तो ये होता है जिसको हम लोग कहते हैं डेल स्क्वायर सो ये डेट डेल स्क्वायर इज इक्वल टू जैसे हम लोग जानते हैं कि वैक्टर ए डॉट वैक्टर ए वेक्टर ए को वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा बनता है ए स्क्वायर उसी तरह से डेल को डेल के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये बनेगा डेल स्क्वायर सो एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ डेल इज इक्वल टू आई कैप डो बाय डो एक्स इसका वैल्यू और साथ में डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे है और फिर इसका वैल्यू दोनों का सेम वैल्यू है डॉट प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं कि आई वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई इसका वैल्यू होता है वन वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे इसका वैल्यू होता है वन और वेक्टर के कैप डॉट वेक्टर के कैप इसका वैल्यू होता है वन तो ये डॉट प्रोडक्ट इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा इसके साथ इसका बाकी क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो ज़ीरो होता है जिसको हम लोग एक बार रिवाइज कर चुके हैं सो so, ये हो जाएगा इसका आई डॉट आई इज इक्वल टू वन सो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये वाला क्वांटिटी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा उसी तरह से ये वाला क्वांटिटी क्वांटिटी वाला quantity, second इसके साथ मल्टीप्लाई होगा थर्ड वाला क्वांटिटी जो है थर्ड वाले क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा सो so इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है तो पार्शियल डेरिवेटिव विथ पार्शियल डेरिवेटिव ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव दैट इज डो स्क्वायर डो एक्स स्क्वायर डो स्क्र डो वाई स्क्वायर डो स्क्वायर डो जेट स्क्वायर अब ये यहां पर भी हमारा लास्ट टर्म जो यहाँ पे फंक्शन मिसिंग है दैट दिस इज एन ऑपरेटर ये दूसरे के साथ ये ऑपरेट करेगा जिसको हम लोग और आगे में देखेंगे कैसे ये ऑपरेट करके अलग अलग वैल्यूज क्रिएट करता है सो अभी तक हम लोगों ने देखा डेल ऑपरेटर जिसको डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं और एक है लैपलेशियन ऑपरेटर अब इस डेल ऑपरेटर से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर तो अभी हम लोगों ने देखा कि डेल ऑपरेटर जो है वो किसी के साथ ऑपरेट कर सो वेन so, डेल ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन स्केलर क्वांटिटी स्केलर फंक्शन मान लेते हैं एक फाई है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई एक्सिस में वो फंक्शन है एक्स वाई जेड का देन द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फाई इज डिनोटेड एज इसको हम लोग पढ़ेंगे जब ये डेल ऑपरेटर इस फाई फंक्शन के साथ ऑपरेट करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फाई ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फाइव एंड इट इज डिनोटेड एज ग्रेट फाइव या ग्रेड फाइव ही इसको क्या है इसको फर्ड में हम लोग ग्रेड फाइव भी कहते हैं या फिर नोटेशन में इस तरह से ग्रेड फाइव लिखते हैं सो so, हम लोगों ने देखा कि इसका जो वैल्यू होता है डेल ऑपरेटर का उसका वैल्यू होता है आई कैप डो बाई डो एक्स यहाँ ऊपर हम लोगों ने देखा है इसका वैल्यू होता है आई कैप डो बाई डो एक्स जे कैप डो बाई डो वाई के कैप डो बाई डो जेड तो यहाँ पर भी वही चीज़ हम लोगों ने लिखा

whole quantity is called gradient phi or gradient of a scalar phi. Last term में हमारा i cap, j cap, k cap तीनों quantity है इसका मतलब ये vector है, unit vector भी हो लेकिन ये vector है. So the gradient of a scalar is a vector quantity. is not a scalar quantity क्योंकि इसका direction भी होता है. जब इसका हम लोग physical significance देखेंगे आगे में, देखेंगे कि ये इसका एक direction भी होता है gradient of a scalar. तो ये हो गया बेसिक मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर ना फिजिकली ये तो हम लोगों ने मैथमेटिकली देखा फिजिकली इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है फिजिकली इसको हम लोग किस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर इज द रेट ऑफ स्पेस वेरिएशन स्पेस मतलब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का जो चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम लोग इसको डिनोट करते हैं अलोंग द नॉर्मल टू द सर्फेस कोई एक सरफेस है इसको हम लोग जब इसका इसका डिटेल्स डिटेल्स में 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 अभी डिस्कस करेंगे उसमें और में इसके बारे में, कि तो एक्चुअली है सो so ये नॉर्मल किसी भी सरफेस पे ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है सरफेस पे ऑन विच इट रिमेन्स कांस्टेंट और इट इज द डायरेक्शनल डेरेवेटिव ऑफ स्केलर अलोंग द नॉर्मल टू द सर्फेस ऑन विच इट रिमेन्स कॉन्सटेंट ये एक डायरेक्शनल डेरेवेटिव को भी रिप्रेजेंट करता है इसका पूरा डिटेल्स अभी हम लोग अभी आगे के डेरिवेशन में देखेंगे जनरली इट्स ओ ग्रेट फाई फिजिकली रिप्रेजेंटेड बाई डी फाई बाई डी एन एन कैप वेयर डी फाई बाय डी एन इज द डेरिवेटिव ऑफ फाइव अलोंग द नॉर्मल एंड एन कैप इज द यूनिट वैक्टर एलोंग द नॉर्मल एन कैप यूनिट वैक्टर इसको अभी हम लोग डिटेल्स में देखने जा रहे हैं इसके जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में एंड नॉर्मल एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव जब देखेंगे उसका डेरिवेशन उसमें इसको डिटेल्स में बताएंगे अब ये सिंपल एक टिफिनेशन है इस डिफिनेशन को डिटेल्स में हम लोग देखने जा रहे हैं इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग में अभी तक हम लोगों ने मैथमेटिकली देखा कि ग्रेड ऑफ फाइ इज इक्वल टू इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं ग्रेड फाई और इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन आई कैप डो फाइव बाई डो एक्स प्लस जे कैप डो फाइव बाई डो वाई के कैप डो फाइव बाई डो जेड होता है अब ये जियोमेट्रिकली क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि फिजिक्स में ये तो मैथमेटिक्स हुआ फिजिक्स में इसका क्या इंपॉर्टेंस है तो उसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि एक सरफेस है मान लेते हैं एक सरफेस है इस सरफेस में इस सरफेस का को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक फंक्शन फाई से सो इफ ए सरफेस फाई है कांस्टेंट है याद रखना है यहाँ पे फाई का जो वैल्यू है वो है सी जो कांस्टेंट है थ्रू ए पॉइंट पी एक पी पॉइंट है जिस पॉइंट से इसको हम लोग डिटेल्स में डायग्राम से देखेंगे इसको अभी हम लोग सिर्फ अभी देख रहे हैं कि एक स्पेस है वहां पे एक पी पॉइंट है मान लेते हैं यहाँ पे एक पी पॉइंट है द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ईच पॉइंट ऑन द सर्फेस इज सेम एट पॉइंट पी इस फंक्शन का ये वैल्यू जो है इसका जो वैल्यू है फाइ इज इक्वल टू सी इस सभी सर्फेस पे इसका वैल्यू सी ही रहेगा चेंज नहीं करेगा यही चीज यहां पे कह रहा है देन द सच सर्फेस इज कॉल्ड लेवल सरफेस थ्रू पॉइंट इस तरह के सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं लेवल सरफेस कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ फाइव एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट पोटेंशियल एट पॉइंट पी देवी पोटेंशियल सर्फेस फाइव एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी इज द लेवल सर्फेस जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टार्स में हम लोगों ने देखा है कि अगर कोई सर्फेस में पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो तो उस तरह के पोटेंशियल्स को हम लोग क्या कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेस कहते हैं वही चीज़ का एग्जाम्पल है तो अभी तक हम लोगों ने देखा क्या कि एक सरफेस है और उस सरफेस का रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाइ इज इक्वल टू सी से और उस सभी स्पेस पे उसी सभी जगह पे फाइ इज इक्वल टू सी का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है वो वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है दैट मीन्स सी इज़ ए कांस्टेंट और उस सरफेस पे हम लोग एक पी पॉइंट लिए हैं जिस पे हमको फाइंड करना है वैल्यू सो लेट द लेवल सरफेस पास थ्रू द पॉइंट पी ये जो लेवल सरफेस है वो पी पॉइंट से पास कर रहा है एट विच द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज फाइव जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू क्या है फाइव सो लेट अस कंसिडर अनदर लेवल सरफेस पासिंग थ्रू क्यू वेयर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज फाइव प्लस डी फाइव मतलब थोड़ा सा इंक्रीमेंट है मतलब हम मान लेते हैं कि एक सरफेस है काफी बड़ा सा सरफेस है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाइव से ये एक पॉइंट ये एक सरफेस में ये हम एक कर्व लिए जहां पे p पॉइंट है जो फाई से रिप्रेजेंट हो रहा है और ठीक उसके ठीक नीचे में जस्ट उसके नेबरिंग पॉइंट जस्ट उसके मिलता जुलता है q पॉइंट है जहां पे फाई का वैल्यू ऑब्वियसली फाई का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा तो फाई का वैल्यू हो जा रहा है फाई प्लस d फाई और यहां पे है वैल्यू मेरा फाई अब यहां पे एक आ, ऑरिजिन ले ले रहे हैं अपने कन्वीनियंस uh, के लिए और इसका हम लोग यहाँ पे पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो so ये हो जाएगा ओपी और ये हो जाएगा ओ क्यू ठीक है सो लेट आर एंड आर प्लस डेल्टा आर ये रिप्रेजेंट हो रहा है पोजीशन वेक्टर आर से और चूंकि ये बड़ा वैल्यू है इसलिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर प्लस डेल्टा आर से यहाँ पे लिखा हुआ है सो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ पोजिशन वैक्टर पोजिशन वैक्टर में हम लोगों ने देखा था जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में बताया है प्रीवियस वीडियो में कि पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन से ओ क्यू माइनस ओपी सिंपल सा डिफिनेशन हम लोग समझने के लिए क्या लिखते हैं लास्ट वाला टर्म माइनस फर्स्ट वाला टर्म सो ओ क्यू माइनस ओपी ओ क्यू का वैल्यू क्या है ओ क्यू क्या वैल्यू है आर प्लस डेल्टा आर आर प्लस डेल्टा आर यहाँ पुट कर दिए ओ पी का वैल्यू क्या है आर तो इसको यहां आर पुट कर दिया माइनस कर रहे हैं तो ये आर और ये आर कैंसल हो गया तो बचा हमारे पास डेल्टा आर ना। हम लोग ग्रेड फाइव डॉट डी आर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हम लोग जानते हैं कि आर इज इक्वल टू होता है हमारा पोजिशन वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तीनों एक्सिस के लिए एक्स वाई प्लस वाई जे प्लस जेड के So, अगर इसमें हम लोग डी आर निकालें तो क्या हो जाएगा आई तो सेम रहेगा सिर्फ एक्स चेंज करेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो ये हो जाएगा dx आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के सो डी फाई के जगह पे हमारा जो वैल्यू हम लोगों ने लिखा ग्रेड फाई का वैल्यू आई कैप डो फाइव बाई डो एक्स जे कैप डो फाइव बाई डो वाई प्लस के कैप डो फाइव बाई डो जेड और डी आर के जगह पे ये वाला वैल्यू आई कैप डीएक्स आई कैप को आगे लिखें पीछे लेके कोई फर्क नहीं पड़ता आई कैप डीएक्स जे कैप डी वाई के कैप डी जेड अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट ये यह, चूंकि यहाँ बीच में डॉट प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी से जानते हैं कि आई डॉट आई इज इक्वल टू वन जे डॉट जे इज इक्वल टू वन

लास्ट uh, वीडियोज में हम लोग देखा हम लोगों ने देखा है कि इसका वैल्यू जो है टोटल डेरिवेटिव मतलब पार्शल डिफेंसेशन एंड टोटल टोटल डिफेंसेशन के बीच में ये रिलेशन होता है इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया डी फाइव गिवन बाई इक्वेशन वन नाउ इफ क्यू लाइज ऑन द तभी हम लोगों ने यही सब देखा कि पी पॉइंट है क्यू पॉइंट है पी पॉइंट का पोजिशन वैक्टर है आर क्यूर क्यू पॉइंट का पोजिशन वैक्टर है आर प्लस डेल्टा आर और हम लोगों ने ग्रेड फाइव डॉट डी का वैल्यू फाइन किया जो आया डी फाइव नाउ क्यू लाइज ऑन द लेवल सरफेस ऑफ पॉइंट पी क्यू जो है ये भी इस सरफेस पे फाइन कर रहा है और फाई का वैल्यू क्या है सी तो फाई का वैल्यू अगर मेरा सी है तो अगर इसका हम पार्शल डिफर यहाँ पर लिखते हैं फाई का वैल्यू अगर मेरा सी है तो अगर इसको हम लोग करेंगे तो क्या आएगा डी फाइव का डिफेंसियन ऑबियसली डीफाई एंड सी सी कॉन्स्टेंट है क्योंकि लेवल सरफेसम का यहां पर लिखाक्शन वन जो है हमारा क्या हो जाएगा दिस क्वानिटी एल एच एस इज इक्वल टू डी फाइव डी फाइ को हम लोगों ने क्या दिखाया डीफाईज इक्वल टू जीरो दिस डॉट दिस इज इक्वल टू जीरो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो हो ये कब पॉसिबल है हम लोग जानते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग जानते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉसा तो अगर ए और बी अगर मेरा जीरो नहीं हो तो ये पॉसिबल जीरो कब होगा जब कॉस्टा का वैल्यू जीरो का वैल्यू जीरो कब होता है नाइंटी डिग्री पे सो डैट मीनस वेक्टर कॉस्ट थीटा 90 डिग्री मतलब क्या हो गया कि दोनों वेक्टर जो हैं परपेंडिकुलर है सो इन दिस केस इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ग्रेट फाइव डॉट डी आर इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स दिस वैक्टर ग्रेट फाइव एंड डी आर बोथ आर परपेंडिकुलर टू इच अदर दैट मीन्स जो ग्रेट फाइव है वो इस ये जो डी आर इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये यही ना डी आर है क्योंकि हम लोगों ने पी क्यू फाइन किया पी क्यू का वैल्यू क्या आया है डेल्टा डेल्टा इज ने डी आर ये डी आर ही है तो इस डीआर पे क्या है ये परपेंडिकुलर है ग्रेड फाइव ग्रेड फाइव इस पे परपेंडिकुलर है ठीक है ग्रेड फाइव इस पे परपेंडिकुलर है किस पे? DR पे. और डी dr पे अगर ये परपेंडिकुलर है किस पे तो ये सरफेस टू होगा नॉर्मल तो होगा? होगा ठीक है ये अगर इस पे परपेंडिकुलर है इस डी पे तो ये डी तो इस पे इस तरह से आ रहा है तो ये सरफेस पे किस क्या होगा ये सरफेस पे नॉर्मल होगा या फिर किसी और तरीके से इसको रिप्रेजेंट करें तो अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया तो दोनों वेक्टर जो है वो क्या है दोनों वेक्टर जो है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया दैट मीन्स और डी आर क्या चीज है डी आर टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कैसे टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर यहाँ पे हम लोग देखें ये पी पॉइंट है ये क्यू पॉइंट है तो ये जो लाइन अगर हम लोग देखें तो इसको अगर हम सीधा से अगर मिलाएं तो ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा टेंजेंट वो लाइन होता है जो किसी भी कर्व को या सरफेस को किसी एक पॉइंट पे टच करता है तो ये टेंजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां से हम लोग शो करके दिखा रहे हैं कि ये जो ग्रेड फाइव परपेंडिकुलर है तो हम लोग जानते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल के प्रॉपर्टी से कि जो लाइन टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मल दैट मीन्स ज्योमेट्रिकली किसी भी स्केलर या सरफेस का ग्रेडियंट अगर फाइंड करें तो उस सरफेस पे वो क्या होगा नॉर्मल है या माने वो नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है सरफेस पे ये है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन uh, या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट uh, है काफी बार पूछा भी जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि वाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर No, अब इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव और इसके मैथमेटिकल फॉर्म को भी देख लेते हैं तो हम लोग जानते थे कि किसी भी भी वेक्टर्स को को कोई वेक्टर वेक्टर है उस रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग उसका द डायरेक्शन ए सो ग्रेट फाइव कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्रेट फाइव इन द डायरेक्शन टू हो जाएगा

जो होगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा डो फाइव बाई डूएन को रिप्रेजेंट करेगा Therefore, by dn is equal to हो जाएगा लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो जो हमारा टोटल डिफेंसिएशन और पार्शल डिफेंसिएशन के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया और डीफाइव किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है डीफाई रिप्रेजेंट कर रहा है डो फाइव डॉट डी आर को डो फाइव डॉट डी आर हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया अभी डोफाई का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया था मॉडलर्स ऑफ डोफाई इन एन कैप इन डी आर ठीक है अभी एन कैप डॉट डी आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने कैल्प किया है सो so, जैसे हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो तो क्या होता है मॉडल्स ऑफ ए मॉडल्स ऑफ बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम सो मॉडलर्स ऑफ एन कैप मॉडल्स ऑफ डी आर मॉडल्स ऑफ और कॉस्ट हीटर

इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे डीएन सो ग्रेट फाइव डीएन और डीएन ये ऊपर में डीएन हारीएन तो यह डीएन डीएन कैंसिल हो गया सो ऑफ मॉडल तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ग्रेट फाइव तो हो जाएगा ये या तो डी फाइव बाई डीएन लिखें या फिर डो फाइव बाई डो एन लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है सेम क्वानिटी है सो हेंस ग्रेडियंट फाइव इज ए वेक्टर नॉर्मल टू द सर्फेस and phi is c and has the magnitude equal to the rate of change of phi along the normal rate of जिसके पहले हम लोगों ने डिफिनेशन में हम लोगों ने देखा था सेम चीज यहाँ पे है इसके बाद दो क्वांटिटीज और डिफाइन करेंगे हम लोग आज में इसके बाद इसको हम लोग स्टॉप करेंगे आज के लिए तो पहला है नॉर्मल और दूसरा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव सो व्हाट इज नॉर्मल इफ फाइव एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ सरफेस फॉर अ एक फाई है स्केलर क्वांटिटी जिसका वैल्यू है सी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट सी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग फाई डिफरेंट फाई को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी फाई और कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा जीरो बट वी नो दैट डी फाई इज इक्वल टू अभी हम लोगों ने देखा डी फाई इज इक्वल टू क्या होता है ग्रेट फाई डॉट डी आर सो ग्रेट फॉर डी आर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू जीरो आया यहाँ पे सो दैट फॉर ग्रेट फाई एंड डी आर परपेंडिकुलर टू इच अदर सो डी आर इज़ द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन सरफेस और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेगा ये मैथमेटिकल डेरिवेशन या फिज़िकल इंपॉर्टेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जिसमें इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये काफ़ी ईजिली ये जो हम लोग देख रहे हैं मैथेमेटिकल डेरीवेशन ये काफ़ी इजली वहाँ पर समझ में आ जाएंगे अभी हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा हो लेकिन जब उसके रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो उसमें काफी इजिली ये सब समझ में आ जाएगा तो अगर किसी भी दो क्वांटिटी दिया हुआ है या कोई सरफेस दिया हुआ है उसमें हमको उसका नॉर्मल फाइंड करना है तो उसके लिए हमको क्या फाइंड करना होगा ग्रेड फाइव फाइंड करना होगा सो ग्रेड फाइव इज द वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस फाइव एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी नंबर टू डायरेक्शनल डेरिवेटिव सो द कॉम्पोनेंट ऑफ ग्रेट फाई इन द डायरेक्शन ऑफ वैक्टर डी इज इक्वल टू एक मान लेते हैं ग्रेडियंट है जो किसी वेक्टर एक ये ये सरफेस है इस सरफेस में ये नॉर्मल ग्रेड फाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक कोई आर्बिट्री वेक्टर है डी अब इसके डायरेक्शन में हमको फाइंड करना है इसका डेरेवेटिव क्या होगा इन द डायरेक्शन ऑफ डी तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसके डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा डी कैप उसको हम लोग फाइंड करेंगे सो द कॉम्पोनेट ऑफ ग्रेड फाइव इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी इज इक्वल टू ग्रेड फाइव डॉट डी कैप एंड इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाइव इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जैसे अभी हम लोगों ने देखा था ये यह, यहाँ पे इस इस आर्टिकल में ये वाला डिफिनेशन डी फाइव बाई डी एन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेन्स टू जीरोन सेम टू सेम यहां पर भी वही चीज है डो बाय बाई डो आर एन के जगह आर है लिमिट डेल्टा आर टेंस टू डोआर टू पी क्यू जो पी क्यू जो डिस्टेंस था ये वाला डिस्टेंस जिससे हम लोग ने टेंजेंट को रिप्रेजेंट किया वो पी क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है सो so, डी फाई बाई डी आर इज कॉल्ड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाइव एंड पी इज द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू ये कुछ फिजिकली समझना जरूरी है क्योंकि जब हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो इसके बारे में और डिटेल्स में इसको देखेंगे तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने देखा कि डेल ऑपरेटर क्या होता है लैपलेसियन ऑपरेटर क्या होता है उसके बाद ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्या होता है और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है